वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम आपको आज MLIS 101 संचार प्रक्रिया माध्यम एवं सूचना तथा संचार के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीडिया एंड बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोसेस में जब हम संचार करते हैं तो हमें किस तरह के बैरियर आते हैं और उसकी प्रक्रिया कैसे होती है और मीडिया का इसमें कौन सा भूमिका है और इसके द्वारा हम कैसे कैसे नवीन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं संचार प्रक्रिया माध्यम तथा सूचना एवं संचार। संचार प्रक्रिया माध्यम तथा सूचना के उद्देश्य क्या हैं? संचार शब्द की अवधारणा एवं उत्पत्ति, संचार के विभिन्न प्रकार, संचार के तत्व का विश्लेषण करना, विभिन्न संचार माध्यम, सूचना संचार से संबंध अवरोधक कारक कौन से हैं, सूचना जब हम ग्रहण करते हैं और सूचना को प्राप्त करने में कौन से बैरियर फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की सूचना संयोजक के रूप में भूमिका क्या रही है? कोई भी लाइब्रेरी है, सूचना केंद्र है, इन्फॉर्मेशन सेंटर है, हमें किस प्रकार किसी भी सूचना से जोड़ता है और उसका क्या रोल है हमारे जीवन में? लाइब्रेरी का महत्व क्यों है और सूचना सेंटर्स की क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम डिटेल में जान सकेंगे। संचार का इंट्रोडक्शन। संचार मानव की आवश्यकता है या एक प्रकार का संसाधन है। इस संसाधन का प्रयोग कर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं तथा अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सूचनाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि सांकेतिक, ध्वनि आदि। किसी माध्यम के द्वारा अपनी बात या विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। प्रथम पीढ़ी। मानव संचार के विकास को चार पीढ़ियों को अब तक हम जान सके हैं और इससे हम गुजर चुके हैं और पांचवी पीढ़ी चल रही है। प्रत्येक पीढ़ी का प्रारंभ मानव के मौखिक संप्रेषण से हुआ, जिसके फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। द्वितीय पीढ़ी क्या है? द्वितीय पीढ़ी में हमने क्या क्या सीखा? द्वितीय पीढ़ी में हमने लिखित संचार का युग आ गया था और जिसके अंतर्गत हस्तलिपि, अनेक ग्रंथ लिखे गए जो आज भी पांडुलिपियों के रूप में विभिन्न आधारों माध्यम पर ग्रंथालय एवं अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत मुद्रण कला के आविष्कार के फलस्वरूप ग्रंथों को मुद्रित किया जाने लगा। 1440 में गुटेल वर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया। 1456 में बाइबिल का प्रकाशन किया। संचार के विकास की चतुर्थ पीढ़ी को दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन का युग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मोर्स न तार प्रेषण प्रणाली टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। सर्वप्रथम टेलीग्राफ का ही उपयोग हम लोग करते थे। मार्कोनी ने बेतार वायरलेस का आविष्कार कर चिरस्थाई बना दिया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आधारित संप्रेषण से पूर्व दूर संचार पूर्ण वर्णित सभी रूपों में अधिक द्रुतगामी संचार प्रणाली का महत्व बढ़ गया, जिसमें ईमेल, इंटरनेट आदि संचार माध्यम एवं साधन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस भांति संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संदेश सूचना के परस्पर विनियम द्वारा करते हैं। संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है। संचार अवधारणा एवं उत्पत्ति। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड द ओरिजिन। संचार शुद्ध अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द
कम्युनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इंपोर्ट, टू ट्रांसमिट अर्थात सामान्य भागीदारी युक्त सूचना और संप्रेषण। उद्भव एवं विकास, संचार का उद्भव विकास कब हुआ? मानव इतिहास में संचार की प्रक्रिया का उद्भव मानव समाज के उद्भव के साथ ही प्रारंभ हो चुका था। संचार के बिना किसी भी मानवीय समाज में सामूहिक व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। संचार की मानवीय समाज की प्रथम आवश्यकता के रूप में समझ सकते हैं। हमारे बहुत से सारे काम संचार के माध्यम से होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी वगैरह का विनियम किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, संचार है। शेसन एवं वीवर के अनुसार संचार को विस्तृत अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं आती हैं, जिसके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें केवल मौखिक या लिखित ही नहीं, बल्कि संगीत, कलाकृतियां, रंगमंच, सिनेमा, नृत्य, नाट्य तथा मानवीय व्यवहार के सभी रूप हो सकते हैं। सामान्य व्यवहार में क्रिया के रूप में संचार विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का विनिमय, तथ्यों, सूचनाओं आदि को सर्व सामान्य करना, परिचित कराना। संज्ञा के रूप में संचार संकेतांक, प्रतीकों, सामान्य संदेशों तथा सूचनाओं का विनियम विचारों को अव्यक्त करने की कला है। सूचना संप्रेषण का विज्ञान, संचार के मुख्य रूप से तीन तत्व कार्य करते हैं, स्रोत सोर्सेस, माध्यम चैनल, ग्रहणकर्ता रिसीवर। प्रचलित अर्थ में संचार पद से आशय दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर वार्तालाप, टेलीफोन पर वार्तालाप, मित्रों संबंधियों आदि के मध्य, पत्र व्यवहार, टेलीविज़न पर किसी कार्यक्रम का उपग्रह संचार के माध्यम द्वारा सीधा प्रसारण आदि द्वारा ही संभव है। प्रचलित अर्थ में संचार पद से आशय दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर वार्तालाप, टेलीफोन पर वार्तालाप, मित्रों संबंधियों आदि के मध्य, पत्र व्यवहार, टेलीविज़न पर किसी कार्यक्रम का उपग्रह संचार के माध्यम द्वारा सीधा प्रसारण आदि संचार द्वारा ही संभव है। संचार के अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है और इसकी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होती है। इसके अंतर्गत मुख्य तीन तत्व कार्य करते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि सोर्स स्रोत, माध्यम चैनल, ग्रहणकर्ता रिसीवर। संचार पद के आशय दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर वार्तालाप एवं टेलीफोन पर वार्तालाप, मित्रों संबंधियों आदि के मध्य, पत्र व्यवहार पर किसी कार्यक्रम को जब हम उपग्रह के माध्यम से संचार द्वारा सीधा प्रसारण आदि किया जाता है तो यह संचार द्वारा ही संभव है। संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। नंबर वन, अवाचिक संचार, नॉन वोकल। दूसरा, वाचिक संचार, वोकल। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। फोर्थ, अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके कई माध्यम हैं, जैसे कि स्रोत हो गया, स्रोत के बाद संदेश आता है, संदेश के बाद श्रोता आता है, फिर उसके बाद प्रभाव आता है। जब हम किसी बात का प्रभाव देखते हैं तो स्रोत के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, और जो श्रोता है, जो सुनता है, उसके द्वारा जब हम फीडबैक लेते हैं तो संचार की प्रक्रिया होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में स्रोत संदेश मैसेज, श्रोता लिसनर, प्रभाव इफेक्ट और पुनर्स्मरण फीडबैक, अंतर्वैयक्तिक संचार
अन्य संचार प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है, यह ज़्यादा आंतरिक है। समूह संचार, अब समूह संचार कैसे होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे विचार गोष्ठी, सम्मेलन, कार्य शिविर, सार्वजनिक व्याख्यान आदि, यह समूह संचार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। जनसंचार प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार को किसी लोगों के समूह या संगठन के संचार चैनल के माध्यम से गुमनाम और विषय लोगों के लिए और संगठन के एक बड़े समूह तक संदेश पहुंचाने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन बड़े समूहों में आम जनता या आम जनता का एक वर्ग शामिल है। संचार और जनसंचार एक दूसरे के पूरक हैं। संचार प्रक्रिया तभी संभव है जब हम इसका प्रयोग करते हैं और दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। उच्चतम एवं आधुनिक स्तर है क्रांति। हमारे समाज में जनसंचार क्रांति का उद्भव बहुत समय पहले ही हो गया था। जनसंचार क्रांति ने बहुत कम समय में समस्त विश्व को सूचना विस्फोट के युग में परिवर्तित कर दिया है। जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि प्रमुख हैं। वर्तमान युग जनसंचार का युग है। संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस ज्ञान, संवेदना, अनुभव, विचार, अस्तित्व में होने वाले परिवर्तनों की सहभागिता ही संचार है। सहभागिता की यह प्रक्रिया ही संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। संचार सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय समाज सम्मिलित रहता है। संचार प्रक्रिया में तीन तत्व निहित हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर वन, स्रोतों अथवा संचारक, सोर्स और कम्युनिकेशन, संदेश अथवा सूचना, मैसेज और इन्फॉर्मेशन। तीसरा है प्रापक अथवा स्थान, रिसीवर और डेस्टिनेशन। स्रोत में कई आवश्यक तत्व आते हैं जैसे कि संदेश अथवा सूचना को प्राप्त करना, मैसेज और इन्फॉर्मेशन। प्रापक रिसीवर या श्रोता होता है। नेक्स्ट में स्रोत और सूचना, जिसे हम संदेश भी कह सकते हैं, और प्रापक जो रिसीवर रिसीव करता है उसे प्रापक कहते हैं। स्रोत सूचना के उद्गम बिंदु को स्रोत कहते हैं। संदेश भेजने वाले और व्यक्ति या स्रोत की संचारक या संप्रेषण कहा जाता है। स्रोत कोई भी हो सकते हैं, कोई भी स्थान हो सकता है, संस्था या प्रकाशन हो सकते हैं, और समाचार पत्र, टेलीविज़न स्टेशन, चलचित्र स्टूडियो आदि हो सकता है। सूचना इन्फॉर्मेशन विचार है जिसका संप्रेषण विनिमय किया जाता है, संदेश कहलाता है। ये लिखित या मुद्रित सामग्री के रूप में, वायु में प्रकाश या ध्वनि तरंगों के रूप में, विद्युत तरंगों के रूप में और अन्य संकेत रूप में भी हो सकते हैं जिसको अर्थपूर्ण व्याख्या संभव हो। प्रापक रिसीवर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, प्रापक श्रोता या दर्शक कहलाता है। संचार के इन तत्वों एलिमेंट के अलावा संचार तब तक ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता जब ताकि उसके उचित माध्यम ना हो और इस संचार से कोई प्रक्रिया या प्रभाव उत्पन्न ना हो। इस प्रकार तीन तत्वों के साथ दो अन्य तत्वों, माध्यम और प्रक्रिया या प्रभाव का भी संचार प्रक्रिया के लिए होना आवश्यक होता है। स्रोत होता है संदेश, मैसेज, माध्यम मीडियम, प्रापक रिसीवर, प्रभाव एफेक्ट एंड प्रोसेस। इस प्रकार से फीडबैक की सहायता से संचार प्रक्रिया को सामान्य प्रारूप को इस प्रकार जाना जा सकता है।
जैसे कि स्रोत, संदेश, माध्यम, प्रापक, पुनर्निवेश, फीडबैक। संचार प्रक्रिया स्रोत, संचार और प्रापक के मध्य परस्पर आदान प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था संचार स्रोत संदेश प्रेषित करते हैं तथा प्रापक के माध्यम से परस्पर आदान प्रदान की क्रियाएं होती हैं। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था जुड़े होते हैं और प्रापक उससे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संचार चक्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निरंतर सूचना को संकेतांक इनकोडिंग आदि को संदेश मैसेज के रूप में उचित माध्यम द्वारा पहुंचाता है और प्राप्तकर्ता संकेतों को मूल विचारों सूचनाओं में परिवर्तित डीकोडिंग कर उपयोग में लाता है। यह सूचना चक्र निरंतर चलता रहता है। दूरवर्ती संचार डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दूरवर्ती संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना संदेश को सर्वप्रथम संकेतों को सिग्नल्स में परिवर्तित कर संचार माध्यम कम्युनिकेशन चैनल द्वारा प्रेषित किया जाता है। वह उपकरण जो मूल सूचना या संदेश को संकेतों में परिवर्तित करता है प्रेषी ट्रांसमीटर कहलाता है और दूसरा संबंधित उपकरण जो दूसरे दूरवर्ती स्थान पर संकेतों को मूल संदेश में परिवर्तित कर प्रस्तुत करता है ग्राही रिसीवर कहलाता है। जिसमें सूचना स्रोत है, प्रेषी है, माध्यम है, ग्राही, प्रापक, गंतव्य स्थल, सूचना, संचार प्रक्रिया डिस्टेंस कम्युनिकेशन के द्वारा यह समझा जा सकता है। हमारा इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि संचार प्रक्रिया सर्पिल है। संचार का अर्थ है अपने भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना को दूसरे तक पहुंचाना, अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना, किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह है सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं इंटरनेट हैं। इसी प्रकार टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है। संचार विधियों में मौखिक और वाक संचार, लिखित और चित्रमय का उपयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने बातचीत, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, संदेश, ईमेल, इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया सहित रेडियो और टीवी, लिखित पत्र, ब्रोशर और रिपोर्ट शामिल हैं। प्रभावी संचार के लिए एक उपयुक्त संचार चैनल चुनना महत्वपूर्ण है। संचार के तीन कार्य हैं, सूचित करना, मानना और प्रेषित करना। सूचित करने का तात्पर्य है कर्मचारियों को सूचना देना और डेटा प्रदान करना। थैंक यू।